हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अगर आप लोग ने, ये मेरा सेकंड पार्ट है, तो आप लोग ने मेरा जो फर्स्ट पार्ट है ऑफ दिस फेस मेकिंग ऑफ दुर्गा, तो आपने फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके मेरे चैनल में फर्स्ट पार्ट भी देख लीजिए। तो बस हम लोग ये शुरुआत करते हैं। हमारा बेस रेडी हो चुका था बस, तो अभी बेस रेडी करने के बाद यहाँ पे मैंने तीन कलर ले लिए हैं। यहाँ पे मैंने ये है परमानेंट येलो ले लिया है, और स्कारलेट रेड ले लिया है, और मैंने लिया है यहाँ पे येलो ऑकर एंड टाइटेनियम वाइट लिया है। इन सारों का मिक्सचर करके मैं सब कलर्स धीरे 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 ब्लेंड करके और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें। जैसा कि आप लोग ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो फोरहेड वगैरह पे और जो चीक्स का जो अपर बोन है, तो वहाँ पे जैसे कि थोड़ा ज़्यादा लाइट आती है, तो वहाँ पे मैं थोड़ा वाइट ज़्यादा यूज़ करके, वाइट एंड येलोइश का जो टोन है उसको ज़्यादा यूज़ करके मैं वहाँ पे फ्रिक्वेंटली, मतलब थोड़ा 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 उसको वहाँ पे ब्लेंड करते जा रहा हूँ मैं कलर लेके। और आपको इसमें एक कीवर्ड हो तो की होता है कि जैसे कि आप कोई भी चीज़ करते हो, मतलब अगर एक्रेलिक तो करते हो खास करके, तो एक्रेलिक में ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ऐसे कलर कहीं पर भी छोड़ दोगे तो बहुत अजीब लगेगा। काफ़ी जगह, मतलब जैसे कि फेस पार्ट हो गया, अभी वहाँ पे अगर आप ऐसे, अगर आपको रियलिस्टिक लुक देना है थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत ब्लेंडिंग आपको करना पड़ेगा प्रॉपरली। नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ब्लेंडिंग करेंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। तो ब्लेंडिंग हमेशा प्रॉपर करना चाहिए। तो ये मेरा थोड़ा थोड़ा अभी स्टार्टिंग का जो फर्स्ट एक लेयर था ब्लेंडिंग का, मैंने अभी ये बेस कलर, मतलब बेस होने के बाद ये थोड़ा सा मैंने कलर ऐड किया है। अभी ये थोड़ा नॉर्मल कलर है, अभी थोड़ा और इसको इम्प्रूव करूँगा मैं। तो थोड़ा थोड़ा करके आप कलर लीजिए, ऐसा नहीं कि एक साथ ही आपने बहुत ज़्यादा कलर ले लिया है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके आप लेंगे कलर, तो क्या कलर वेस्ट नहीं होगा आपका ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ पे मैं ये जो पेंट ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, ये पेंट ब्रश है कुमार आर्ट्स का। तो ये कुमार आर्ट्स तो एक ब्रांड है वेस्ट बंगाल की एक्चुअली, जो मेरे सर मेरे जो गुरुजी हैं, वो अगर कभी भी वहाँ पे जाते हैं, वेस्ट बंगाल जाते हैं, तो वहाँ पे वो एक दो क्या बोलते हैं, एक दो पैकेट्स मेरे लिए हमेशा लेके आते हैं सेट्स। उसमें सारे टाइप्स जितने रहते हैं उसमें सारे ब्रशेस वो लेके आते हैं मेरे लिए, क्योंकि मेरा वहाँ पे ज़्यादा जाना आना नहीं होता है। और बॉम्बे में आपको अगर चाहिए होगा तो आपको मिल जाएगा हिमालय हाउस, जो चर्च गेट में है अपना, जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के सामने, तो वहाँ पे तो इजीली अवेलेबल है। तो आप कुमार कुमार आर्ट्स के ब्रशेस आप वहाँ पे जाके बोलेंगे किसी को भी, तो वो लोग इजीली आपको दे देंगे। और ये थोड़ा मैंने आईज़ थोड़ा पहले डिटेल करना मैंने चालू कर दिया, बिकॉज़ थोड़ा आईज़ में मुझे थोड़ा डिफेक्ट लगा था, तो मैं डिफेक्ट उसको ठीक ठाक करके और उसको थोड़ा मैं उसको प्रॉपर करूँगा अभी। तो मैंने क्या किया यहाँ पे कि आपको डायरेक्टली ब्लैक नहीं लेना है, तो पहले क्या करना है आपको थोड़ा ब्राउनिश एक शेड बनाना है। जैसे मैंने ब्राउन शेड बनाया है रेड, थोड़ा सा येलो और थोड़ा सा ब्राउन यूज़ करके, तो उसको क्या होगा कि आपका जो, देखो इस टाइप का एक शेड निकल के आएगा, तो ये ब्लैक नहीं लगेगा, ये थोड़ा डार्क शेड है, ठीक है? तो ये थोड़ा डार्क शेड है। तो उसके बाद क्या होगा कि अगर आप डायरेक्टली अगर ब्लैक दे दोगे, तो उसको जैसे अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया तो आप ब्लैक को मैनेज नहीं कर पाओगे बराबर से, वो ब्लैक बहुत गंदा लगेगा। अगर आप उसके ऊपर कलर भी लगाते रहोगे तो भी वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए कभी भी याद रखना है आपको डायरेक्टली ब्लैक कहीं कहीं पर भी नहीं देना है। इनफैक्ट हेयर में भी अगर आप ब्लैक आपको डालना है ना, तो पहले ब्राउन डालो, फिर ब्राउनिश एक टोन डालो, फिर एक थोड़ा ब्लूइश टोन डालो, फिर उसके ऊपर ब्लैक डालोगे तभी उसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। और ये थोड़ा मैंने आईज़ में भी थोड़ा डिटेलिंग थोड़ा ऐड करना चालू कर दिया है। अब ये थोड़ा मैं लिप्स के ऊपर, ये जो नॉर्मल जो रेड एंड ऑरेंज का शेड में इसमें यूज़ कर रहा हूँ।
क्योंकि क्या होता है ना, कभी भी आप डायरेक्टली रेड या फिर डायरेक्टली कोई भी कलर दोगे ना तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें। मैं देखो एक लिप के शेड में, मैंने उसमें कितने सारे शेड्स यूज़ किए हुए हैं एक लिप का कलर देने के लिए। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली वहाँ पे जाके रेड दे दूँगा, वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेड भी यूज़ करने पड़ेंगे। उसको एक शेड बना के आप चेक कर सकते हो पहले। बस मैं थोड़ा अभी वीडियो थोड़ा फॉरवर्ड कर देता हूँ गाइस, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबी वीडियो बनती जाएगी। तो मैं एक नेक्स्ट पार्ट दिखाता हूँ, तब तक के लिए मैं थोड़ा फॉरवर्ड कर देता हूँ। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ब्लैक जो हेयर है उसके नीचे भी मैंने थोड़ा सा ब्राउनिश टोन दिया था, उसके बाद मैंने ब्लैक कलर डाला है। डायरेक्टली मैंने ब्लैक कलर यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। अभी अभी जो मैं है जूल्स पार्ट कर रहा हूँ, तो जूल्स पार्ट जो भी है, जो भी ज्वेलरीज वगैरह है, तो मैं उसको रियलिस्टिक नहीं बनाऊँगा इसमें। मैंने रियलिस्टिक थोड़ा सा फेस बनाया है, पर जूल्स जो है वो थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होगा। तो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म के लिए मैं क्या करूँगा कि खाली शेडिंग पार्ट में ले लूँगा कि कहाँ पे लाइट एंड डार्क शेड है, तो उसमें मैं पैलेट में जो भी कलर्स है सबको मिक्स करके, जैसे कि येलो ऑकर के साथ मैंने वाइट मिक्स कर दिया और येलो ऑकर के साथ मैंने ब्लू मिक्स करके वाइट थोड़ा डाल दिया। तो ये सब शेड आप यूज़ करोगे, तो देखो इस तरीके से आपको शेडिंग करनी है, तो ये काफ़ी अच्छा एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म लगेगा। और इसमें अगर आप रियलिस्टिक करना चाहोगे भी तो कर सकते हो, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं लगेगा मेरे हिसाब से। तो मैंने सिर्फ इसमें यही किया है कि मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें सब कलर्स ले लेके मैंने थोड़ा अपने हिसाब से मैंने ब्लेंडिंग कर दिया है इसमें। तो ये काफ़ी अच्छा एक इफ़ेक्ट आया है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जब बन के। जब मुझे पहले लगा तो डाउटफुल था कि अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन लास्ट में एंड रिज़ल्ट से मैं काफ़ी खुश हूँ। एंड आपको जस्ट आपको एक दिमाग में याद रखना है कि सिर्फ आपको ना एक ही बात याद रखना है कि सिर्फ डार्क एंड लाइट जो शेड होता है ना उसके थ्रू ही आपको फॉलो करना। मतलब ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ जहाँ पे लाइट है वहाँ पे लाइट कलर दे दिया, जहाँ पे डार्क है वहाँ पे डार्क कलर दिया। नहीं, आपको एक दिमाग में फोकस रखना है कि यहाँ पे देखो जो आप रेफरेंस इमेज यूज़ कर रहे हो उसमें का पर्सपेक्टिव अलग होगा, आप जब बना रहे हो तो उसमें अलग होगा। तो आप वो सब भी यूज़ करके, आप थोड़ा अपना भी दिमाग यूज़ करके कर सकते हो। और ये सब चीज़ें ना गाइस, मैं एक सच्ची बात बताता हूँ कि ये प्रैक्टिस के वजह से ही होती है। तो आप जितना हो उतना प्रैक्टिस करना शुरुआत करें, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, जैसे कि आप प्रैक्टिस करोगे वैसे ये सब चीज़ें इम्प्रूव होगी। तो मैं अभी जनरली जैसे देखा जाए तो मैंने बहुत सारे बच्चों लोग, मतलब मेरे स्टूडेंट लोग को देखा, एक दो वीक में एक दो दिन करेंगे या तो कभी जब मूड आया तभी करेंगे, लेकिन आप जब फिर बोलेंगे कि मेरा इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, तो मैं वही बोलता हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा घर पे प्रैक्टिस किया कीजिए। और मतलब ऐसे ही कलर ब्लेंडिंग करना, थोड़ा देखना कि कौन सा कलर बनता है, क्योंकि पैलेट में तो सिर्फ 12 कलर्स रहते हैं और इसमें मैंने कितने कलर्स यूज़ किए गाइज आप देख सकते हो। ये सब मेरा खुद का क्रिएशन है, मतलब कलर्स अलग अलग देखना कि ये कलर मिक्स करने के बाद वो कलर मिक्स करेंगे तो कैसा लगेगा। तो ये सब यूज़ करने की वजह से थोड़ा एक अच्छा इफेक्ट आता है पेंटिंग में, क्योंकि जो पेंटिंग का जो रेफरेंस इमेज में जो कलर्स होते हैं वो तो बहुत नॉर्मल से, वो फिर पेंटिंग नहीं एक पोस्टर हो जाएगा अगर आप वही एक सेम चीज़ आप उतार देंगे कैनवस पे, तो एक पेंटिंग नहीं लग के वो एक पोस्टर लगेगा। तो पोस्टर में पेंटिंग में क्या फ़र्क है उनको बता दो। तो वही अभी जो है बस अभी ब्लेंडिंग का ही थोड़ा काम चालू है, थोड़ा ब्लेंड करके मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ा शेड्स दे दे रहा हूँ, जहाँ पे डार्क है वहाँ पे डार्क दे दे रहा हूँ, लाइट है वहाँ पे लाइट दे दे रहा हूँ। मेरे हिसाब से मुझे जैसा चाहिए वैसे मैं उसको अरेंज कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो जैसा मुझे अच्छा लग रहा है कि जहाँ पे जैसा एक पैटर्न जाना चाहिए वहाँ पे मैं वैसे वैसे कलर्स देते जा रहा हूँ। तो उसे अच्छा एक काफ़ी एक बहुत अच्छा एक इफेक्ट आया है।
बहुत नॉर्मल से कलर्स है गाइस, ऐसे कोई मैंने कुछ अलग से पैलेट वैलेट सॉरी अलग से मैंने कोई कलर्स वगैरह खरीदे नहीं है, सब कलर्स बनाने के लिए मैंने खुद से बनाए हैं सारे कलर्स खुद से। आप जैसे कि अलग अलग कलर्स आप खुद भी ट्राई करेंगे तो एक अलग अलग टाइप के कलर्स हाथ से मतलब आपके इससे निकलते जाएंगे। और बस मैं यहाँ पे सारी डिटेलिंग्स ऐड करके ले रहा हूँ, और कभी भी आपको डिटेलिंग तो ऐड करना ही पड़ेगा क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पेंटिंग हम लोग करते रहते तो फ्लो फ्लो में डिटेलिंग ऐड करना हम लोग भूल जाते हैं। तो उसको क्या करना चाहिए आप लोगों को कि आप लोग उसका एक फ़ोटो ले लीजिए, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एक फ़ोटो लेके आप उसको चेक कीजिए अपने फ़ोन में कि कहीं पे कुछ छूट तो नहीं गया है, कहीं पे कुछ अधूरा सा तो नहीं लग रहा है, कहीं पे कुछ वियर्ड तो नहीं लग रहा, कहीं पे रिपेयरिंग की ज़रूरत है क्या। तो ये सब आप एक बार चेक कर लिया कीजिए। और अभी मैं थोड़ा डाल रहा हूँ ये यहाँ पे, जैसे एक शाइन होती है पता है आपको, एक फेस पे अब जब सामने से फोकस मारेंगे तो एक दुर्गा फेस में ना एक शाइन होती है, तो मैं उस टाइप की एक शाइन बना रहा हूँ। तो पहले मैंने येलो कलर से थोड़ा मैंने बेस दे दिया था, फिर बेस देने के बाद मैं वहाँ पे डायरेक्टली मैं ऊपर वाइट कलर के पैचेस डाल दूँगा, तो वो लगेगा कि जैसे एक बहुत एक अच्छा शाइनी इफेक्ट आ जाएगा फेस पे। तो वो मैं एक थोड़ा सा इफेक्ट देने का यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा लग रहा है इफेक्ट, इतना कुछ ख़राब नहीं लग रहा, लेकिन आई एम हैप्पी विद दिस इफेक्ट। थोड़ा मैंने लिप्स के ऊपर भी दे दिया, थोड़ा नोज़ के ऊपर दे दिया ताकि वो ऐसे एक शार्प फीचर लगे। और मैं यहाँ पे डायरेक्टली वाइट जो डायरेक्टली होता है पैलेट से आप लेके डायरेक्टली वहाँ पे आप लगा दो तो उससे काफ़ी अच्छा एक इफेक्ट आ जाएगा। मैं थोड़ा अभी स्मज कर ले रहा हूँ थोड़ा। हाँ ये इस तरीके से मैंने कर लिया ये, तो ये थोड़ा लग रहा है कि शाइनी इफेक्ट हो गया फेस का, तो ऐसा लग रहा है कि फेस थोड़ा शाइन करने लगा है अभी, तो काफ़ी डल सा लग रहा था हमारा फेस। तो यहाँ पे अभी मेरा ये सब डिटेलिंग वगैरह जो भी फेस का मेरा कंप्लीट हो गया था। अभी जो भी एक ये फोरहेड पे जो ऐसे जो सिंदूर जो लगाते हैं और जो लास्ट डे होता है विसर्जन का दिन होता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैंने तीन अलग अलग कलर लिए, थोड़ा ऑरेंज कलर लिया है बेस के लिए मतलब उसके नीचे लगाने के लिए, और रेड कलर लिया है और एक वर्मिलियन रेड कलर लिया है, एक और थोड़ा एक ब्राउनिश कलर लिया है। तो वो तीनों को मैं अपने हाथ से स्मज कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा उसका एक इफ़ेक्ट आया है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि कितना अच्छा उसका एक इफ़ेक्ट आया है कि किसी ने अपने हाथ से वो लगाया है ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो पेंट ब्रश से लगाएंगे तो वो उस तरीके का एक इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो कभी भी आपको कभी ऐसा कुछ कर सकते हो, आप हाथ से भी कभी कभी ट्राई कर सकते हो नई नई चीज़ें करना, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है देखने के लिए। बस अभी ये लास्ट का थोड़ा बहुत मैं टचअप वचअप कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो भी ऐसा जहाँ पे कुछ मुझे लग रहा है कि कहीं पे कुछ डालना है, तो बस वो कंप्लीट करके मैं अभी आपको फाइनल लुक दिखा दूँगा। कोई भी पेंटिंग कंप्लीट करने के पहले साइनिंग करना तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि साइनिंग करेंगे तभी जाके पता चलता है कि कौन से आर्टिस्ट ने बनाया है, कि नाम देखने के बाद पता चलता है कि भाई कौन से आर्टिस्ट ने बनाया है। तो कभी भी आप कोई भी पेंटिंग बनाओगे तो वहाँ पे एक अपना साइन कर दिया करो, ताकि लोगों को ऐसे कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि किसकी पेंटिंग है या फिर कहीं से कॉपी वर्क है क्या ये ऐसे करके। तो अब मैं बस अभी यहाँ पे मैं डिटेलिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट करके मैं थोड़ा सा यहाँ पे जितना मुझे लगता था कि यहाँ पे सब जो भी गड़बड़ था पेंटिंग में ना, सब कुछ गड़बड़ नहीं बोल सकते, जो भी अधूरापन था पेंटिंग में मैंने कंप्लीट करके अभी लास्ट में बस मैं साइन करके इसको कंप्लीट कर दूंगा पेंटिंग को। बस ये साइन करने के लिए मैंने जो भी नॉर्मल मेरे तीन कलर्स मैंने रेड ब्राउन और एक ऑरेंज कलर मैंने मिक्स करके और इससे ही मैं साइन करूँगा अभी यहाँ पे।
जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि बस साइन वाइन मेरा सब कुछ हो गया कंप्लीट। फाइनली पेंटिंग मेरी कंप्लीट हो गई है अभी। तो ये है मेरा फाइनल लुक। तो होप यू ऑल गाइज लाइक्ड इट, बिकॉज़ बहुत टाइम लग गया मेरे को, 3-4 दिन लग गया और 2 दिन एडिटिंग में लग गया ये पूरा बनाने के लिए। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत लगती है गाइस वीडियो बनाने में, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको जो भी नई, मैं और भी बहुत सारे एक्रेलिक वर्क मैं दिखाऊंगा तो आपको सब पता चलते रहेगा। और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशंस आप तक आ जाएगी। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।